अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने ये पुदीना लगाया था और इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है, लेकिन हमने इसको इसलिए गमले से बाहर निकाल दिया क्योंकि इसको अच्छी खुराक नहीं मिल रही थी। इसकी रूट बाउंडिंग होना शुरू हो गई थी और ये बारीक बारीक टहनियाँ निकल रही थी, सेहतमंद नहीं निकल रही थी। ये जो रूट्स होती हैं ये इसको बढ़ने नहीं देती और ख़ुराक नहीं हासिल होती इनको, ना इसके अंदर एयर इन आउट हो सकती है, इसलिए हमारी ये जो रूट्स हैं बहुत पतली पतली होने लग गई शाखें, और रूट्स काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं, इसी वजह से हमारे पुदीने की ग्रोथ अच्छी नहीं बढ़ रही थी। और ये शाखें भी इतनी बारीक बारीक हो गई थी, इसलिए हमने इसको गमले से बाहर निकाल लिया है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने इसमें से कौन सी जो शाखें हैं वो हमने गमलों में लगानी है दोबारा। ये देखें, इस तरह की हमने रूट्स जो है निकालनी है और इनको हमने लगाना है गमले में दोबारा, और बाकी इनमें से हम कौन सी रूट्स लगाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों ये देख सकते हैं आप, जैसे कि हमने ये जो इसकी पुरानी रूट थी वो हमने मिट्टी से निकाल ली हैं। वैसे भी आप अपनी सॉइल को किस तरह रिकवर कर सकते हैं वो मेरी चैनल पर वीडियो मौजूद है पहले से ही, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो के कॉर्नर पर भी मिल जाएगा। ये सारी हमने गंदी गंदी रूट्स इसकी जो भी इनको बढ़ने नहीं दे रही थी वो हमने निकाल दी और ये मिट्टी साफ़ बच गई है। आप ऐसा करें कि मेरी वीडियो पहले ज़रूर देखें, मिट्टी को किस तरह हमने दोबारा रिकवर करना है। मैं तो इसी के अंदर ही हमने रूट्स निकाल ली हैं और लगा दूंगा वापसी इसी में पुदीना, और मैं बताता हूँ इनमें से कौन सा पुदीना आपने लगाना है। ये देखें दोस्तों, इस तरह का जो हमारा पुदीने में से बचेंगी ऐसी रूट्स हमने ढूंढनी है, और उसको ये नीचे से हमने ये वाली रूट्स काट देनी है ये चाकू की मदद से, और इसको हमने इस तरह लगा देना गमले में। इसी तरह इनमें से भी जो हमारी रूट्स इस तरह की मोटी मोटी होंगी वो ढूंढ कर हम लगा देंगे, तीन चार बात लगा देना। ये जितनी खास खास जड़ें हमारी इसमें से निकली थी वो हमने लगा दी, और अब इसमें हम पानी दे देंगे।